सत श्री अकाल, प्रोग्राम लेके हाजिर है इमिग्रेशन साइट सुबिद मनदीप। और एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वस्नु ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो आज की साड़ी चर्चा जी है बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, अंत तक साडे नाल जुड़े रहो। तुसी 2022 दे विच बहुत सारे अप एंड डाउन आए, सारी कंट्रीज नूं लेके असीं हमेशा समय टू समय तुहाडे रूबरू हुंदे रहे, पर अज गल करांगे कैनेडा। 2022 बहुत डामाडोल रहा, 2023 हुण किस तरीके दा जाण वाला है, कि हुण कैनेडा वीजा देगा, कि कैनेडा दी लीनियंसी च फर्क पएगा या फिर नीज दे बाबत जिहड़ी है गलबात रहेगी। सो प्रदीप सर, की क्यास ला रहे हो कि हुण इह जिहड़ा नवां साल चढ़िया है, किद्दां वीजे आ रहे ने, आउणगे इस साल दे विच वीजे या 22 वाला हाल ही सानूं देखणा पएगा? देखो, मैं क्यास पे बात नहीं करता कभी भी, मैं हमेशा फैक्ट पे बात करता हूं। राइट। 2022 बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, 2023 भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जो एम्बेसी है, हम यहाँ कनाडा की बात कर रहे हैं, बट कोई भी एम्बेसी है, हर एक एम्बेसी फैक्ट्स पे वीजा देती है। फैक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई स्टूडेंट्स की एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड अच्छी है तो उससे रिलेटेड क्या उसको रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव कोर्स दिया है, नहीं दिया कि नहीं। राइट। दूसरा, आपका जो एजेंट है वो कहाँ पे है, कैसा है, क्या वो RCIC मेंबर है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट या नॉर्मल एजेंट्स है, आपकी फाइल किस टाइम पे लोज हो रही है, आप प्राइवेट कॉलेज में डाल रहे हो या यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज में डाल रहे हो, आप क्राउडेड एरिया में भेज रहे हो या फिर बच्चे को क्राउड से दूर थोड़ा सा दूर दराज एरिया में भेज रहे हो, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन से बच्चे की फाइल बनती है और उसी बेस पे बच्चे का वीजा लगता है। आपका फाइल बनाने का तरीका क्या है, आपकी जो फैमिली की इनकम क्या है, आप SOP में क्या लिखते हो ऐसा जिससे कि हाँ यस एम्बेसी सेटिस्फाई हो। अगर ये सारी की सारी चीजों पे अगर वर्क किया जाए तो एम्बेसी वीजा देती है। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे एजेंट कैनेडा स्टूडेंट वीजा को मजाक की तरह लेते हैं। उसके पीछे जैसे SDS की बात करें, SDS में 3 डॉक्यूमेंट लगने होते हैं। राइट। एक फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो अब फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा आपकी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज से ये पता लगता है कि स्टूडेंट रियली डिजर्व करता है या नहीं करता है। राइट। ठीक है। सेकंडली, जो उसका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है उससे पता लगता है कि उसकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। ठीक है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म से पता लगता है कि इसके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, कितने नहीं है। ठीक है, डन। और इसके एकेडमिक एजुकेशन किस तरीके से चल रही है। ठीक है। अब इसी बेस पे बच्चे का वीजा लगता है, इसी बेस पे बच्चे का वीजा रिजेक्ट होता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट जब एक बच्चे की फाइल लेते हैं, वो कहते हैं कि जी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए जी। ना उनको पेरेंट्स की ITR चाहिए, ना उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि बच्चे के पास किस किस मोड में कितने फंड्स अवेलेबल हैं। राइट। ठीक है। और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कॉपी पेस्ट मार देते हैं तो सर वीजा तो रिजेक्ट होगा ही होगा। राइट। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बच्चे का जिसका से 5 बार के से 10 बार रिफ्यूज हो रहा हो उसका भी वीजा लिया जा सकता है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए। मैं हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आपका एक आध बार रिफ्यूज हो गया ना, गो विद RCIC, गो विद रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। राइट। हाँ जी। अब होता क्या है कि जितने भी कंसल्टेंट इंडिया में बैठे हैं, ना तो वो RCIC है, ना उन्होंने इमिग्रेशन की एजुकेशन की है, पढ़ाई की है। राइट। ठीक है। वो स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं, वीजा आ गया वेल एंड गुड, उसकी लॉटरी है, नहीं वीजा आया तो स्टूडेंट का नुकसान है। राइट। लेकिन एक RCIC मेंबर जो होता है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, राइट, वो पहली बात तो उसने इमिग्रेशन की पढ़ाई की होती है कनाडा में रह के, देन उसको लाइसेंस इशू हुआ है कि भाई तभी वो सर्विसेज दे सकता है। राइट। तो एक कंसल्टेंट जो नॉर्मल कंसल्टेंट फाइल लगाता है उस पे वीजा उड़ता है, और जो RCIC की फाइल लगती है, थ्रू फाइल लगती है, तो वो RCIC के पोर्टल पे लगती है वीजा सक्सेस जी। तो अब एम्बेसी खुद बोलती है कि लोकल एजेंट से बचो, और अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि गो विद RCIC। ओके। तो वेस्टर्न और सीज के पैनल पे रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। ठीक है। जब उसके
क्या नाम है पोर्टल पे फाइल लगती है, आरसीआईसी मेंबर खुद रिकमेंड करता है कि इन इन ग्राउंड पे बच्चे को वीजा दिया जाए। तो मैंने देखा है मिराकल हुआ, बच्चों के वीजे आए हैं। वीजे है बिल्कुल, जड़ी इन्फॉर्मेशन है तुहानू असीं घर बैठे मुहैया करवाने हैं और तुहानू क्लीयर हो गया होगा कि क्यों तुहानू आरसीआईसी मेंबर्स तो फाइल लवानी चाहिए है। असीं पिछे भी पहला बहुत सारे शोज किए ने जिदे च असीं बहुत डिटेल दे विच गलबात की है। अज सर एक टॉपिक ते होर असीं गल करनी है, वह है पीटी। जदों भी सोशल मीडिया आपां ओपन करदे हां तां पीटी दी कोई कंसल्टेंट गल कर रहा है, उस वीडियो ते बहुत ज्यादा व्यू पए होणगे। पीटी नूं लैके हर किसी दी आपो अपनी स्टेटमेंट है, कोई कहिंदा वीजा आउंदा कोई कहिंदा नहीं आउंदा। असीं पिछे जे पीटी दे वीजे देखे भी नहीं है, ये है नहीं कि असीं देखे नहीं हैगे। ऐसे च बच्चा बहुत कन्फ्यूज है। हुण इत्थे सवाल यह है कि पीटी कीती जावे कि ना कीती जावे, फ्रैश बच्चा की करे जे पीटी करदे आ, अगे हुण 2023 च वीजे आउणगे कि नहीं आउणगे, उहदा तुसीं की फैक्ट दे आधार ते उहदा तुसीं की जवाब। देखो मनदीप, यहां पे बात समझनी पड़ेगी, पीटी हम भी प्रमोट करते हैं, हम अकेडमी चलाते हैं जिसमें आईएएस पीटी टफल सारे बच्चों को कोचिंग देते हैं। पीछे से ना कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, जहां पहले आईएएस में सबसे ज्यादा बच्चा होता था, अब धीरे धीरे क्योंकि पीटी बच्चों को लगता है स्कोरिंग है, तो बच्चा 50-50 हो गया। हर एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे ना, उतने ही तो आईएएस में बच्चे उतने ही पीटी में। अगर आईएएस में बच्चे का 5.5 बैंड है तो पीटी में उस 6 बैंड के इक्वल बच्चा स्कोर कर लेता है, थोड़ा सा स्कोरिंग लगता है। अब कनाडा जो एम्बेसी है उसने वीजा दो जगह डिवाइड कर रखा है, एक एसडीएस एक जेनरिक, इसको नॉन एसडीएस बोलो या जेनरिक बोल दो, ठीक है। एसडीएस में क्या है, आपको तीन ही कंडीशन मीट करनी है, 6 ईच लेने, आईएएस करनी होगी जिसमें आपको 6 ईच लेना है, दूसरा साल की फीस देनी है, तीसरा आपको जीआईसी पे करना है। आप एलिजिबल है, फाइल लगाइए और फास्ट प्रोसेसिंग है, वीजा सक्सेस रेट हाई है, हाई है, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं पीटी की, या आपने टफल कर लिया या आपने आईएएस भी कर लिया लेकिन किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रहेगा, तो वहां आपकी फाइल हो जाती है नॉन एसडीएस। तो जब बच्चे ने पीटी किया तो नॉन एसडीएस ऑटोमेटिकली, अब एसडीएस में जब सक्सेस रेट हाई है, नॉन एसडीएस में सक्सेस रेट कम है, डाउन है, ठीक है। बच्चे ने पीटी करके अपना कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो वैसे ही कम कर लिए, बट इट डज नॉट मीन कि मैं ये नहीं कहता कि आप पीटी मत करिए, पीटी पे हमने हजारों बच्चों की वीजी लिए कहने लगे, लेकिन नॉन एसडीएस है। और देखना होगा कि आज की डेट में एम्बेसी किस मोड में बैठी है, कई फैक्टर्स है, ठीक है। तो फैक्टर्स की बात करूंगा, पीटी पे बाद में आऊंगा। अब देखिए, जब से कोविड आया ना तब से एम्बेसी जो है वो लिमिटेड स्कोप के, लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ काम कर रही थी। तो आपने देखा होगा एक यूके और एक कनाडा, ये दो ही कंट्री थे जो खुले हुए थे और सारे कंट्रीज ने आराम से बैठ गए थे शटडाउन करके। तो सब बच्चों की जब फाइलें लगती जा रही थी तो बहुत बड़ा लोड इकट्ठा हो गया, लिमिटेड वर्कफोर्स थी, स्लोट मतलब लोड ज्यादा हो गए, मतलब एक तरह से फाइलें डे बाय डे पेंडिंग होती गई। अब स्टूडेंट वीजा भी है, टूरिस्ट वीस्टर वाले भी हैं, पीआर वाले भी हैं, इन्वेस्टमेंट वीजा वाले, डिफरेंट कैटेगरीज की फाइलें एम्बेसी में मतलब पेंडिंग होती चली गई। दूसरा कोविड के बाद जो परसेंटेज बढ़ी है वो बहुत हाई हुई है, लोगों ने इंटरनेट पर यही सर्च किया कि अब्रॉड में क्या स्कोप है। कोविड के बाद देखोगे तो हर एक कंसल्टेंट हर एक एरिया में आज की डेट में बिजनेस बढ़ा है, जाने वालों की संख्या बढ़ी है, वो चाहे टूरिस्ट पे है, चाहे विजिटर पे है, चाहे स्टूडेंट पे है, चाहे पीआर पे है, चाहे इन्वेस्टमेंट वीजा पे है, जाने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी, इंडिया में सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं बढ़ी, हरियाणा पंजाब में जहां पे पहले 100% लोग जाते थे वो 270% जा रहे हैं, राइट है। वही जिस एरिया में पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे भागते थे वहां से 100% प्लस बच्चा जा रहा है आज की डेट में, ठीक है, मतलब मूव कर रहा है। तो आज की डेट में हरियाणा पंजाब से जहां बच्चा सबसे बड़ा बच्चा जाता था, आज की डेट में दूसरे रेस्ट पार्ट से जहां से बच्चा जाता ही नहीं था वहां से भी बच्चा जाना शुरू हो गया, जान लग गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये चीज हुई है, इट मीन अब हरियाणा पंजाब से बच्चा क्यों लेंगे, क्योंकि उधर डाइवर्सिटी चाहते हैं उनको। अब बच्चा अगर यूपी से मिल रहा है, उसको राजस्थान से मिल रहा है, उसको अगर उधर से क्या नाम है केरला से मिल रहा है, या फिर उसको किसी और पार्ट से मिल रहा है, ठीक है, तो हरियाणा पंजाब से क्यों लें, क्यों लेगा, ठीक है। ऐसे ही जहां इंडिया से बच्चा बड़ा है तो वर्ल्ड के हर एक पार्ट से बच्चा बड़ा है। पहली बात तो बच्चा बढ़ गया, जहां उनको मान लो एक्स नंबर एक्स वीजा देने थे, अब ट्रिपल एक्स फाइलें चली गई, वीजा तो एक्स ही देना है ना, तो अब वहां पे सेग्रीगेशन होती है, ठीक है, कटाई छटाई होती है कि भाई किसको वीजा दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, नॉन एसडीएस, एसडीएस में हाई सक्सेस रेट है, नॉन एसडीएस मतलब पीटी कर रखी है बच्चे ने, ठीक है,
एक चांस ये भी कम हो गया, ऊपर से नंबर ज्यादा है, नंबर तो वीजा तो उन्होंने एक्स नंबर ही देना ना। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एक तो संख्या बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा जाने वालों की ज्यादा जाने वालों की वॉल्यूम बढ़ गई, क्रीम प्रोफाइल ज्यादा हो गई। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो नेचुरल सी बात, आपने खुद बोल दिया कि उनको फिर क्रीम प्रोफाइल ही चाहिए। अब वो एसडीएस को प्रमोट करें तो सीधी सी बात है नॉन एसडीएस में सक्सेस रेट कम ऑटोमेटिकली हो गया। वहीं जहां पे बिफोर कोविड पीटी वाले बच्चों का सक्सेस रेट भी अप्रोक्स आप कह सकते थे बहुत अच्छा था, आज की डेट में अगर नक्सल में बात करूं तो कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटी पे वीजा नहीं आते, वीजा नहीं आते होता। फिर भी डिपेंड करता है कि फाइलिंग किवें हो रही है, होर भी बहुत सारे फैक्टर ने जिन्होंने प्रदीप जी ने क्लियर करने की कोशिश की है। सो सर हुण केड़े स्टूडेंट है जिन्होंने कैनेडा अप्लाई करने की तुसी सजेशन दे रहे हो ते की प्रोफाइल होवे उन्होंने बच्चों की? देखो पहली बात तो मैं ये करूंगा कि कैनेडा अगर आपने जाना है तो एक कंसल्टेंट मैटर करते हैं। आप थोड़े से डीप रिसर्च करके आए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर आप बैठे हो तो हर एक कंसल्टेंट कहता है कि मैं भी भेज दूंगा, मैं भी भेज दूंगा, डायरेक्ट एग्रीमेंट किसी के नहीं होते। दूसरा उन्होंने बड़े मास्टर एजेंट से फाइल या जितने एग्रीगेटर्स जो पोर्टल्स आए हुए हैं उनके थ्रू उन्होंने ऑफर लेटर लेने होते हैं, तो ना बच्चे को मेन एजेंट का पता होता, ना बच्चे को ये पता होता क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इस तरीके से आज की डेट में हो रहा है, तो स्टूडेंट को एक तो कंसल्टेंट हायर करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दूसरा गो विद आरसीआईसी, गो विद इमिग्रेशन लॉयर, गो विद रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वेस्टर्न ओवरसीज की इंडिया में 9 ब्रांचेज है, सुन आपको आपके एरिया में भी और भी खुल जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे क्या नाम है वर्चुअली भी मिल सकते हो, हम पूरे इंडिया से आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। बच्चा हमारे पास बॉम्बे से भी आ रहा है, महाराष्ट्र में अदर पार्ट से भी आ रहा है, केरला से भी आ रहा है, साउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से बच्चा आज की डेट में आ रहा है। तो एक तो कंसल्टेंट आप अच्छा हायर करें, आरसीआईसी होना चाहिए। सेकेंडली आप अपने रिलीवेंट कोर्स के लिए और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाएं, और पेरेंट्स जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी हो, ठीक है। गैप है तो गैप को आपको जस्टिफाई करना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों पे आप वर्क करेंगे तो आपका वीजा लग सकता है। लगेगा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी नाल जुड़न ली और इन्फॉर्मेशन देने, बहुत बहुत थैंक यू।